अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, प्यारे बहन भाई कैसे हैं आप सब। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग भी ठीक हैं और अल्लाह के ईमान में हैं, और अल्लाह पाक आप सबको भी अपनी अपनी हिफाजत में रखे। और सुबह सुबह का टाइम है जी, मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि मैंने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने के लिए जाना होता है, तो जो है वो इसलिए नाश्ते वगैरह का भी टाइम है। बच्चे बाहर सोए हुए थे पहले, तो उनको मैंने अंदर लेटा दिया, सुला दिया बल्कि, क्योंकि फिर वो बाहर जो है ना वो रोशनी ज़्यादा हो जाती है और ये उठ जाते हैं और फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं इनको कमरे में ले आई। नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी, ये करेले हैं, करेले का सालन बना रही हूँ क्योंकि फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है वहाँ पर, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम ही सालन बना लूँगी और कुछ नाश्ते में इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी जो है वो फिर शाम को, क्योंकि जब मैं क्लास से वापस आती हूँ तब गैस नहीं होता और फिर गैस शाम को आता है तकरीबन 6 बजे और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तो इसलिए जब तक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तब तक के लिए यही है कि सुबह के टाइम ही नाश्ते में ही मैं वो जो भी शाम का खाना वगैरह होगा स्पेशली सालन वगैरह वो बना लिया करूँगी। ये देखें आज फिर जो है बारिश कितनी तेज़ आ रही है, ये देखें मुझे साथ साथ हवा भी चल रही है, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, बारिश भी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। सुबह के टाइम ही वैसे बहुत ज़्यादा बादल थे तो लग ऐसा ही रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बाज़ार नहीं भी होती, तो इसलिए अब यही सोच रही हूँ कि एब्सेंट लगेगी आज की, क्योंकि इतनी बारिश में, इतनी तेज़ बारिश में घर से निकलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं तो यही कह रही हूँ कि रहने दें आज फिर छुट्टी सही, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, रास्ता इतना ख़राब है। वैसे भी ये सावन की बारिश का कोई भरोसा भी नहीं होता, मौसम कब ठीक हो, उस कब साफ़ हो, तो इसलिए मैं तो आज नहीं जा रही फिर बारिश की वजह से। बस अब यही है कि जो पहले से मसलन जो क्लास में पहले किया हुआ है वही तैयार करते हैं। वैसे टेस्ट वगैरह भी हमारा ग्रैंड टेस्ट मंडे को डिसाइड हुआ था कि टेस्ट होगा, तो फिर आराम से बैठ के उसी की तैयारी कर लेंगे, एक मौका मिल जाएगा टेस्ट को अच्छी तरह याद करने का, तो इसलिए फिर यही है कि आराम से तैयारी करते हैं अपने टेस्ट की। गर्मी तो नहीं फील हो रही, तो मैंने वैसे चाय बनाई है ताकि मैं थोड़ी एक्टिव हो जाऊँ टेस्ट वगैरह याद करने के लिए, और यहाँ पर मैंने असद को भी अपने पास ही लौटा लिया था क्योंकि फिर ये रो रहा था तो मैं इसके पास ही बैठ गई थी कि चलो इसके पास बैठ के साथ इसका भी वो ख्याल हो जाएगा और साथ साथ जो अपना काम भी कर लूँगी, तो इसको मैंने अंडा वगैरह बना के दिया था, माशाल्लाह से ही खा के फारिग हो गया इसलिए ये रहा मेरा चाय का कप और ये रहा टेस्ट, और असद भी पास है, बच्चे भी पास हैं, तो आराम से जो है वो उनसे बैठ के अपने टेस्ट की तैयारी करते हैं। ये टेस्ट है हमारा, बल्कि ये बुक है, नोट्स कह लें आप, हैं इनकी तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया था जी, हमें कुछ लेके दें, हमें कुछ लेके दें, तो फिर मैंने इनको ये साथ वाली शॉप से ये थोड़ी सी हैं वो चीज़ें वगैरह ला के दी हैं ताकि ये आराम से खाएं और मुझे भी टेस्ट की तैयारी करने दें, क्योंकि बार बार तंग कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर चीज़ ला के दे दी इनको। बैलून को देखे सब बहुत खुश हो रहा था लेकिन उसे सही से पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि वो पहली दफ़ा मैंने इसको ये बैलून ले कर दिए, तो वैसे घर में भी पड़े हुए थे तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो जो ये है ये एक ले जाती हूँ। इसी का ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अली तो वैसे खेल लेता है, अंदर बाहर चला जाता है, तो ये बेचारा फिर मेरे पास ही लेटा रहता है, तो इसलिए उसके पास जो है वो थोड़े से खिलौने वगैरह रख देती हूँ ताकि ये
खेलता रहे आराम से और काम वगैरह मुझे भी करने दे। तो यहाँ पर ये दोनों भाई जो है वो साथ साथ चीज़ खा रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं। और मैंने तो यहाँ पर अपने लिए समोसे मंगवा लिए थे क्योंकि मुझे नहीं ये बच्चों वाली चीज़ें अच्छी लगती। तो इस मौसम में जो है वो समोसे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे मौसम में, और ये हर साल अवेलेबल होते हैं तो बहुत ही मज़े के थे। तो आप भी मंगवा कर खाएँ, मौसम बहुत अच्छा है। तो इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगले व्लॉग्स के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।